एक्सक्यूज मी हाय नहीं नमस्ते कैसे हो आप मे आई सीट हियर क्या हो गया मैं भी थोड़ा परेशान अच्छा खासा हंस रहे हो और बोल रहे हो परेशान हो तुम अच्छा तुम क्यों मना कर रहे हो मुझे कि मैं यहाँ ना बैठूं मैं यहाँ नहीं बैठूं तो फिर कहाँ बैठूं आप बताओगे मुझे तुमका क्या मतलब होता है मैं आपको आप बोल रही हूँ और आप मुझे तुम बोल रहे हो मतलब आपको सिखाया नहीं गया है कि कैसे बात करते हैं दीदी मैं अभी थोड़ा परेशान हूँ आप चले हाँ बहुत अच्छा दीदी बहुत बढ़िया लगा मुझे और मैं ये बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे बैठे हो ये एक पब्लिक प्लेस है और यहाँ पे कोई भी आके बैठ सकते आप क्यों मना कर रहे हो कि मैं यहाँ ना बैठूं मतलब फिर से आप तुम बोल रहे हो आप बैठ जाओ दीदी हाँ बहुत बढ़िया ऐसा होना ही चाहिए वैसे हुआ क्या है मैं क्यों बताऊँ तुम्हें बस ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ इसलिए बता दो क्या हुआ है बता दोगे तो क्या हो जाएगा बता के अगर परेशानी मेरी ठीक हो जाएगी तो मैं ज़रूर बता दूँगा मतलब हुआ क्या है मतलब फिर भी स्टिल अगर मैं अगर आपसे पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है तो आपको बताना चाहिए क्यों नहीं बताना चाहिए वेट कर रहा हूँ अभी आप किसी का वेट कर रहे हो किसका वेट कर रहे हो किसी दोस्त का वेट कर रहे हो फ्रेंड है मेरी उसका वेट कर रहा हूँ अच्छा फ्रेंड है आपकी फ्रेंड है कि गर्लफ्रेंड है आपकी आप जो समझो वैसे तो फ्रेंड ही है बट कह सकते हैं मतलब गर्लफ्रेंड है तो आपको नहीं लग रहा कि फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में डिफरेंस होता है अभी आपकी स्माइल बता रही है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है अब इसमें नो कमेंट कि वो आपकी फ्रेंड है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है ठीक है वो आपकी गर्लफ्रेंड है आप गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे हो तो वो अभी आई नहीं है और क्यों नहीं आई है कुछ प्रॉब्लम हो रखी है तो क्या प्रॉब्लम हो गया और छोड़ो यार आप छोड़ दीजिए क्यों नहीं मैं बता नहीं सकता और क्यों नहीं बता सकते आप ऐसा क्या बात हो गया है आप घबरा अच्छा ये बताओ आप करते क्या हो पढ़ाई करते हो डेफिनेटली कौन सी क्लास में पढ़ते हो नाइन्थ क्लास में पढ़ते हो नाइन्थ क्लास में तुम गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हो और तुम्हारा गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम हो गया है क्या समझो तुम्हें फिर से तुम बोल रहे हो याद रखो ना एक बात को याद रखो तुम नहीं बोलना है आप बोलना है मुझे जरूर बिल्कुल हाँ क्या हुआ है वैसे पढ़ाई लिखाई की उम्र में तुम गर्लफ्रेंड बना के घूमोगे तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें लाइफ में परेशानी नहीं आएगा तो क्या आएगा तो क्या मतलब हम बचपन से साथ रहे बहुत अच्छे फ्रेंड हाँ बहुत अच्छे फ्रेंड होने और गर्लफ्रेंड होने में फ़र्क है दोस्त ऐसे समझ लो मतलब ज़्यादा कैजुअली नहीं है बस हम अब चाहे कैसा भी है तुम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते क्यों नहीं रह सकते क्यों मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ये बताओ क्यों बता रहा हूँ अब फिर से तुम बोल रहे हो तुम कमजोर हो क्या पढ़ाई में दिमाग कम चलता है मम्मी ने ध्यान नहीं रखा आपका हाँ कुछ नहीं आप माफ करो मेरे को हाँ मैं हाँ मतलब अच्छा चलो बताओ क्या प्रॉब्लम हुआ है ये सारी बातें छोड़ो बताओ क्या प्रॉब्लम हुआ है होप कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ पक्का मेरी हेल्प करो हाँ मेरे से जितना हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी अब बताओ प्रॉब्लम क्या है मतलब मैं और जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना कैफे वगैरह गए थे तो मेरे किसी दोस्त ने हमारी फ़ोटो क्लिक कर ली मिली थी ऐसी कुछ नहीं थी और उसके फादर को भेज दी किसके मेरी गर्लफ्रेंड के ठीक है तो उन्होंने मेरे घर पे फ़ोन किया और पापा को कह रहे कि मैं अभी मिलने आ रहा हूँ तुम्हारा लड़का बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है जिस उम्र में मेरी लड़की के साथ बदतमीजी करता है ये वो बहुत ज़्यादा पापा का मेरे पास फ़ोन आया कि 10 मिनट के अंदर अंदर घर आ और मेरी फटी पड़ी है पूरी तरीके से हाँ तो ये किसी के भी साथ होगा भाई किसी के भी पिताजी को अगर कोई फ़ोटो भेजेगा इस तरीके से किसी लड़के के साथ में तो वो नहीं बर्दाश्त करेगा आप ये बताओ पढ़ाई लिखाई हो गई है आपकी नहीं चल रही है अभी चल रही है अभी नाइन्थ क्लास में मतलब कुछ भी नहीं हुआ है अभी पढ़ाई लिखाई में ना आपने टेंथ किया है ना आपने ट्वेल्थ किया है ना ही ग्रेजुएशन करा है ज़िंदगी के जो पड़ाव आने होते हैं ना वो अभी बाकी हैं और क्या तुम इस लड़की वर्की के चक्कर में पड़े हुए हो क्या पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो क्यों अपनी प्रॉब्लम सुनो मेरी बात सुनो अपनी प्रॉब्लम पढ़ा रहे हो तुम अपनी गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम पढ़ा रहे हो यदि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हम बचपन से छोटे से थे हम तब से एक ही क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो हाँ तो उससे क्या हो गया दोस्त रहो ना तुम अच्छे हैं नहीं हम तुम क्या दीदी ये कोई बात नहीं होगी हम रहेंगे देखो मैं आपके कहने से नहीं चल सकता नहीं आप मेरे कहने से नहीं चलो देखो मेरी बात समझो लेकिन अगर मेरी बात सुनो अगर इन सारी वजहों से अगर आप लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा आपकी गर्लफ्रेंड का एज यू आपने बताया कि आपकी गर्लफ्रेंड के जो फादर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है आपकी फैमिली को फ़ोन कर वो एक नंबर के बहुत ज़्यादा
खरूस कोई नहीं होता है, सबके पिताजी ऐसे होते हैं, किसी के भी पिताजी को पसंद फोटो नहीं थी हमारी। अरे चाहे कैसे भी फोटोज हो, कैसे भी फोटोज हो, एक क्लास में पढ़ते फोटोज वगैरह तो नॉर्मल है ना। आपकी बात से ना मुझे पता चल रहा है कि आप कितना सीरियस हो इन सब चीजों को लेकर के। जिस समय आपको पढ़ाई के लिए सीरियस होना है, उस समय आप लड़की के लिए सीरियस हो रहे हो, समझ रहे हो? ये टाइम निकल जाएगा, ये पढ़ाई निकल जाएगा, उसके बाद आप लेते रहना, कोई साथ नहीं रहेगा। डू यू थिंक कि वो लड़की आपके साथ रहेगी? हाँ वो रहेगी। अभी आ रही है मिलने? हाँ कॉल करी है मैंने, आ रही है 10 मिनट। कितने देर में आएगी? 10 मिनट बोले तो। 10 मिनट में अगर वो आ जाए ना तो मुझे बता देना, मेरा नाम बदल देना, वो नहीं आने वाली। नहीं मैम, नहीं आएगी। कोई अपने पिताजी को ना ऐसा नहीं करेगा, तुम्हें नहीं पता है। तुम ऐसे बैठे बैठे यहाँ पे ना पत्थर बन जाओगे, तब भी नहीं आएगी वो। लिख के ले लो मेरे से। अच्छा फोन करो, फोन करके स्पीकर पर डालो जरा, मैं देखूं। अगर उठा ले तो बताना। जा रही है? उठा लिया? क्या पता ट्रैफिक में हो। अच्छा ट्रैफिक में होगी, मेरे नंबर से फोन करो। तुम्हारा फोन नहीं उठा रही होगी तो क्या पता मेरे नंबर से फोन उठा ले। लो टाइप करो जरा, मैं देखूं तुम्हारा तुम्हारी कैसी गर्लफ्रेंड है। नहीं उठा रही। क्या पता होगी उसकी प्रॉब्लम, कुछ चल रहा हो। तुम्हारा फोन नहीं उठा रही है दोस्त, वो तुमसे मिलने आएगी। ये भड़म ना निकाल दो तुम। नहीं दीदी वो आएगी, मुझे पता है वो आएगी। हाँ। और तुम्हारे पिताजी जो तुम्हारे लिए 10 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, उसका नहीं जाओगे तुम? हाँ जाऊंगा दोस्त के घर पे, कहीं मैं नहीं आ रहा घर पे। तुम अपने घर पे नहीं जाओगे? कहाँ जाओगे फिर तुम? मैं कहीं चले आऊंगा। अरे तुम 9th क्लास में हो, तुमको कोई नहीं रखेगा ना, तुमको काम मिलेगा। दीदी मैं समझती नहीं हूँ, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, हम दोनों। तुम खाने पीने के साथ बिना खाने पीने का रह सकते हो? हाँ रह सकते हो। पापा मम्मी के बिना रह सकते हो? हाँ। तुम्हारे पापा मम्मी भी तो तुमसे प्यार करते हैं, तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुम्हारे माता जी पिताजी तुम्हारे लिए भी है ना। बगैर रह लूंगा पर उसके बगैर नहीं रहूंगा। नहीं रहोगे? नहीं। लेकिन अगर वो आएगी ही नहीं तो? वो आएगी मुझे पता है। वो आएगी? वो नहीं आएगी दोस्त। आएगी यार, तुम क्या बताओ? तुमका क्या मतलब है? तुम नहीं आप वहाँ सही बोल रहे हो। मैं आपको ना एक बात लिख के बता दे रही हूँ कि ये टाइम है, पढ़ लो, लिख लो, कुछ कर लो, नहीं तो ना कोई लड़की नहीं आने वाली है। तुम अपने माता जी पिताजी को छोड़ के जा रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम प्यार करते हो? किससे करते हो? अपनी गर्लफ्रेंड से। अपनी गर्लफ्रेंड से करते हो? प्यार जो फील नहीं कर सकता ना, वो दूसरे का प्यार नहीं देख सकता, वो प्यार कर भी नहीं सकता। आप झूठ बोल रहे हो, समझ रहे हो आप? आपके अंदर ना बचपना चढ़ा हुआ है जो आपको दिख रहा है। आप किसी का प्यार नहीं समझ सकते हो। बताओ आपके माता जी पिताजी, आप 9th क्लास में हो, उन्होंने कितना प्यार करा होगा आपको? आप उनके बारे में माइनस में भी नहीं सोच रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो सकता है कभी? नहीं दीदी मैं प्यार करता हूं, कभी नहीं हो सकता है दोस्त। तुम प्यार करते हो ना, तुम आज मेरा ये बात लिख के रख लो। तुम काम करो, तुम अपने माताजी का नंबर दो। तुम्हारे माताजी को पता तो चल जाना चाहिए कि तुम घर नहीं जाना चाहते हो। अरे छोड़ो तुम रहने दो। अच्छा बता तो दो, ये तो गलत बात है ना यार। जो बच्चा मम्मी का नंबर क्यों ले रहे हो? तुम जानता नहीं, थोड़ी बहुत बात करो तो मम्मी का नंबर से क्या मतलब बनता है? अच्छा एक बार मेरी बात सुनो, इतना सेल्फिश मत बनो। एक बार मेरी बात सुनो, तुम आना है तुम जाओ, कोई नहीं रोक रहा, मैं नहीं रोक रही हूँ। तुम्हें जाना होगा, तुम जाओगे, चाहे किसी के भी रोकने से तुम नहीं रुकोगे, इतना समझदार तुम हो गए हो। ठीक है एक बार मेरी बात सुनो, आपके जो माता जी पिता है जो इतने दिनों से आपको साथ रखे हैं, आपको नहीं लगता कि एक बार उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप नहीं रुक रहे हो, आप जा रहे हो छोड़ के उनको? इतना तो हक है उनको। नहीं मत बताओ तुम रहने दो। अरे इतना तो सोचो। मैं बता दूंगा उन्हें जब मैं चला। कैसे इतने सेल्फिश हो सकते हो तुम यार? जब मैं चला। जो माँ बाप तुम्हारे लिए इतना करे और तुम उसके बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे हो। मैं बोल तो रहूँ जब मैं चला आऊंगा तब बता दूंगा, पता चल ही आएगा वैसे भी। तो आप एक बार फोन करके बता दो उनको। आप नहीं बताओगे? नहीं तो मैं बता दूंगी। सामने ना एक कैमरा लगा है दोस्त, नहीं चाहते हुए भी तुम्हारा एक वीडियो बना है। तो कैमरा क्यों लगाया तुमने? मेरी मर्जी।
ये ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है। देखो अब तुम घर जाओ, तुम अपने माँ बाप को बताओ भाई, वीडियो बंद करो, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे थोड़ी होता है दीदी, कैसे होता है बच्चा, कैसे होता है ऐसे वीडियो बनाओगी? हाँ ऐसे ही होता है। नहीं देखो गलत बात, देखो तुम 9th क्लास में हो, तुम इतने सेल्फिश हो सकते हो, कोई अपने लिए इतना सोच सकता है, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच सकता है? आपको नहीं लग रहा की वीडियो बंद करवाओ, तुम ऐसे नहीं हो, फोन करके बोलोगे घर पे अभी? हाँ मैं बोल दूंगा, तुम वीडियो बंद करो, पहले बोलो, नहीं फोन लगाओ, मैं बोल दूंगा, मैं नहीं मिल रहा उस लड़की से, तुम जाओ वीडियो बंद कर दो। वीडियो बंद नहीं होगी गाइज, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि मेरे बिना पहुंचाए, सुनो मेरी बात, जो मेरे बिना पहुंचाए तुम्हारे घर तक पहुंचे ये वीडियो, ठीक है? मैं नहीं करूं। जो माँ बाप अपने बच्चे को ना, हाँ मैं नहीं जा रहा उस लड़की के पास, मैं घर जा रहा हूँ। मम्मी पापा का नंबर दो पहले तुम। नहीं मैं नंबर नहीं दोगे, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम पे भरोसा नहीं, तुम अपने माँ बाप का नहीं हो सकते, तुम क्या होगा मेरा? मैं वादा कर रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा एक काम करो, तुम अपने मम्मी पापा का नंबर दे दो मुझे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्या करोगे तुम? नंबर लेके मैं बोल दूंगा ना, मैं नहीं जा रहा ना कहीं, सच्ची में नहीं आऊंगा। तुम नंबर दे दो, वीडियो बंद कर दोगे, समझाओ। आप देखो मेरी बात, आप नंबर दे दो, तुम्हारे छोटे भाई जैसे बंद कर दो। आप छोटे भाई जैसे हो इसीलिए मैं सोच रही हूँ इतना, आप छोटे भाई जैसे हो इसीलिए सोच रही हूँ। अरे मैं मेरी बात सुनो, आप मुझे नंबर दे दो बस, मुझे ख्याल है, मुझे केयर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप नंबर दे दो मुझे, मैं नहीं कॉल कर रही हूँ। आप नहीं जा रहे हो ना कहीं भी, नहीं जा रहे हो ना कहीं भी, आप बस मुझे नंबर दे दो, मेरे पास डिटेल रहेगा, बताओ मुझे। फोन मत करना दीदी, नहीं करूँगी। नंबर तुम खोलो, मैं उसका फोटो ले लेती हूँ ताकि मेरे पास सेव रहेगा। ठीक, आप ये सोचो कि आप कितना गलती कर रहे हो, आप अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहे हो। मुझे बहुत शर्म आ रहा है कि कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए इतना करता है, बच्चा एक बार भी नहीं सोचता है, कभी छोड़ के चला जाता है, कभी कुछ कर जाता है, माँ बाप के बारे में नहीं सोच सकता है, कोई बच्चा इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? आप घर जा रहे हो, पैसे है आपके पास घर जाने के लिए? बाहर से मैं कैब दिला देती हूँ तुम्हें, आओ चलो।